स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी निबंध पढ़ेंगे। अभी आपको मालूम है 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, तभी आप लोगों के यूनिट टेस्ट चल रहे थे, तो हम लोग हिंदी दिवस पे निबंध या पोयम कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे। तो आज मैं आपको हिंदी दिवस के लिए मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी इसके लिए आपको निबंध देती हूँ, ठीक है? तो वो हम मैं निबंध आपको एक दिया है, उसके बाद आप होमवर्क में आप 10 लाइनें हिंदी की, हिंदी अपनी भाषा के ऊपर आपने 10 लाइनें आपको लिख करके होमवर्क में लिखना है, ठीक है? अभी मैं आपको ये बताती हूँ निबंध। मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी। संसार में प्रत्येक स्वतंत्र देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा होता है। मेरे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। समुचित भारत देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य राष्ट्रभाषा कर रही है। भारत एक विशाल देश है। इस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं का जन्म हिंदी से हुआ और हिंदी का भाषा जन्म संस्कृत से हुआ। अलग भाषाएं बोलने वाले सब आपस में मिलते हैं तो वे हिंदी में ही बात करते हैं। हमारे देश में हिंदी भाषा बोलने वाले अनेक लोग हैं। हमारी राष्ट्रभाषा बहुत ही मधुर और रोचक है। इस देश के महान नेताओं ने लोगों को एकता का महत्व समझाया तो हिंदी भाषा में ही समझाया, इसीलिए इस देश के लोगों में एकता है। संतों ने संस्कृत भाषा में लिखे सुप्रसिद्ध ग्रंथ आज हिंदी में ही लिखे हैं। हिंदी भाषा में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और कहानियां छपती हैं। हिंदी भाषा एक अमृत वाणी है। हमारे कवियों ने लोगों को हिंदी भाषा में कविताएं लिखकर संदेश और प्रेरणा दी है। अनेक लेखकों ने अपने विचार हिंदी भाषा में व्यक्त किए हैं। हिंदी भाषा के कारण लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा की भावना जागृत हुई है। हिंदी भाषा से ही लोगों के हृदय में मानवीय भावनाओं में स्वर्ग द्वार खुले हुए हैं। हिंदी भाषा राष्ट्र की प्रकृति एवं प्राण है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि की भक्ति रस की कविताएं प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताएं पढ़कर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मुझे अपने राष्ट्र और राष्ट्रभाषा पर गर्व है। अतः भारत की विशेषताओं का वर्णन करें तो कागज और कलम कम पड़ जाएंगे। इसका वर्णन हिंदी में इस तरह किया है, प्यारा भारत वर्ष, हमारा एक कुटुंब विशाल, पृथ्वी पर इस महादेश की कोई नहीं मिसाल। मुझे मेरी राष्ट्रभाषा बहुत प्रिय है, अतः मैं अपनी राष्ट्रभाषा को उन्नत बनाने में संपूर्ण योगदान दूंगा। जय हिंद। ठीक है, अभी आपको केवल क्या करना है, 10 लाइनें आपको, 10 वाक्य आपको हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में लिखनी है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।